भजन संहिता अध्याय तीन। भजन संहिता अध्याय तीन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने से लाभ से भी उत्तम है। वह मुंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मनभाऊ है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाशमंडल से ओस टपकते हैं। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों की विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे से फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए तो यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो और अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना, उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को अपने में पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी।